मौसम विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार 10 से 12 जुलाई तक भारी से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जिसके संबंध में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार जिले में 10 से 12 जुलाई के मध्य भारी से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व ने बताया कि नगर निगम को पत्र लिखकर सचेत किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके निष्कासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं। नगरीय क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर सड़क नाला तथा निर्माण कार्य संचालित है, जहां पर गड्ढे वाले एकत्रित हैं। गड्ढों में वर्षा का पानी भर जाने के कारण उनकी गहराई का पता नहीं होने तथा समय से निस्तारण न होने के कारण सड़क दुर्घटना अधिक होती है। इसको देखते हुए यह आवश्यक है कि जिन स्थानों पर निर्माण कार्य हो रहा है वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही संकेतक भी लगाए जाएं। भारी वर्षा के दौरान जल निकासी के लिए पर्याप्त हैंडपंप व अस्थायी पंप को क्रियाशील रखा जाए। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इन 3 दिनों में बिजली चमकने और गिरने की काफ़ी संभावनाएं हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो राजस्व कर्मियों या एडीएम फाइनेंस के मोबाइल नंबर 9454417615 पर संपर्क कर सकता है। इसी के साथ सभी बाढ़ चौकियों को भी सक्रिय कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह बोल रहा हूँ, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हूँ और आपदा का प्रभारी हूँ। मौसम विभाग से आगामी 24 घंटे में भारी और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी आई है, तो आप सभी से अनुरोध है कि वर्षा के दृष्टिगत और साथ में बिजली भी कड़क सकती है और बिजली गिर भी सकती है, उसको लेकर के कोई भी व्यक्ति यदि आवश्यकता न हो तो घरों से बाहर न निकले, और जो लोग नदी के किनारे हैं वो सचेत रहें। हमारी बाढ़ चौकियां वहां पर कार्य कर रही हैं, उनके संपर्क में रहें। हमारे लेखपाल और जो राजस्व प्रशासन है उससे संपर्क में रहें। यदि कहीं पर कोई बाढ़ जैसी स्थिति आती है या आने की आशंका होती है तो तत्काल उन्हें सूचित करें, मुझे भी सूचित कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9454417615, 9454417615। आप इस पर भी अपना वॉयस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज दे सकते हैं या हमें फोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।